नामी ट्रेनर कोच एंड यूथ एक्टिविस्ट आपकी लाइक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम स्टडी पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते। हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कहीं वो डाइवर्ट हो जाता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो कंसंट्रेशन के लिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिस पे अमल करके हम स्टडी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टेप्स देखेंगे जिन पर अमल करके आप स्टडी पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं और आप फोकस के साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बिकॉज इन्वायरमेंट आपके फोकस को, आपकी कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते और वो इस चीज़ के इंतजार में होते हैं कि हमारा फोकस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और माहौल क्योंकि आपको डाइवर्ट कर रहा होता है, जो आपका इन्वायरमेंट है इसकी वजह से आपका फोकस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो कंसंट्रेशन के लिए आपने स्टडी का इन्वायरमेंट बनाना है। दूसरे नंबर पर आपने स्टडी का प्लान बनाना है कि आपने कितना कुछ पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है। आपने जो है बाउंड्री सेट करनी है, लिमिट सेट करनी है, बिकॉज जब तक आप लिमिट नहीं सेट करेंगे तब तक आपकी स्टडी जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक आप अपनी स्टडी को फोकस्ड होकर नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हमारे जो माइंड के रिसोर्सेज हैं, जो हमारी माइंड की एनर्जी है, अगर उस पर कोई एक बाउंड्री आ जाए, कोई टाइम की लिमिट आ जाए, तो वो ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करती है। तीसरी चीज़ जो स्टडी को आपके इफेक्टिव बना सकती है, आपके फोकस को बेहतर कर सकती है, वो ये है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। समटाइम हमारे घर का माहौल ऐसा होता है कि हम स्टडी के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं या डिस्ट्रैक्शन हमारी स्टडी के इन्वायरमेंट में ईजिली इंटरप्ट करती है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपके घर वालों की इंगेजमेंट भी हो सकती है, वो आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। तो आपने तीसरे स्टेप में डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर जो है वो जब तक डायग्नोज ना कर ले कि क्या बीमारी है तक वो इलाज नहीं कर सकता। लिहाजा आपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, फिर उसको आपने एलिमिनेट करना है। चौथी चीज़ जो आपकी स्टडी को इफेक्टिव बना सकती है वो ये है कि आपने ब्रेक के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपके जो अटेंशन का स्पैन है वो 40 मिनट तक मैक्सिमम जाता है। लिहाजा आप कोशिश करें 30 मिनट का इंटरवल रखें जिसमें आपने रेगुलर स्टडी करनी है किसी एक खास टॉपिक की। उसके बाद आपने 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपने दोबारा कंटिन्यू करना है। फाइनली जो आपकी स्टडी को बेहतर बना सकता है, इफेक्टिव बना सकता है, वो ये है कि आपने ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग से अगर आप नहीं बचेंगे तो डेफिनेटली आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। अमूमन हम क्लास में बैठे हुए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ख्याल एकदम से कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से है। आपने ओवर थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से थिंकिंग पैटर्न है जो बार बार आपकी सोचों में आते हैं, तो उससे बचना है आपने, और वो आइडेंटिफाई किए बगैर आप उनसे नहीं बच सकते। लिहाजा आपने ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्टडी फोकस्ड हो सकती है, आप स्टडी पे मोर कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन के लिए आपने इन 5 स्टेप्स पर अमल करना होगा।